हे एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। तो आज हम बात करेंगे कि माउंट कैलाश पर आज तक कोई चढ़ाई क्यों नहीं कर पाया और क्यों इसे अनस्केलेबल कहा जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन सी लेवल पर प्रेजेंट ऑक्सीजन से 2/3 कम होता है, फिर भी माउंट एवरेस्ट को अब तक 4000 से ज़्यादा लोग फतह कर चुके हैं और करीब हर साल 500 से भी ज़्यादा लोग इसकी बुलंदी पर पहुंचते हैं। पर अब सवाल है कि कैलाश माउंटेन की हाइट 6,638 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट से 2,218 मीटर कम है। इसके बावजूद कभी कोई इसके शिखर पर क्यों नहीं पहुंच पाया, क्यों माउंट एवरेस्ट से बेटर लेवल ऑफ ऑक्सीजन होने के बाद भी लोग इस पर अब तक नहीं चढ़ पाए। कैलाश पर्वत पर ढेरों रिसर्च होने के बाद इंग्लैंड के रिसर्चर ह्यूज रटलज ने बताया कि कैलाश माउंटेन पर पर्वतारोहण करना इम्पॉसिबल है। साथ ही कर्नल विल्सन और शेरपा 30 दिन ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन चढ़ाई के दौरान विल्सन ने कहा, जैसे मुझे लगा कि मैं एक सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूं, लेकिन भयानक बर्फबारी ने रास्ता रोक दिया और चढ़ाई वहीं रुक गई। एक बार ब्रिटिश पर्वतारोही जॉर्ज मैलोरी से पूछा गया कि वो बार बार एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की कोशिश क्यों करते हैं। उनका जवाब था, बिकॉज इट्स देयर, क्योंकि वो है। फिर ये हौसला कैलाश पर्वत के सामने क्यों नहीं टिक पाता? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोशिशें 20th century से ही होती आ रही हैं और कई स्कॉलर्स ने माउंट कैलाश को कोल्ड डेजर्ट कहा है। और वो बताते हैं कि जिन्होंने भी इसे क्लाइंब करने की कोशिश की है, उन्हें नेचुरल कैलामिटीज़ का सामना करना पड़ता है और कभी कभी उनके सामने हर्ड्स ऑफ एनिमल्स भी आ जाते हैं, इसीलिए चढ़ाई हमेशा ही कैंसिल हो जाती है। चाइना ने अंतिम बार स्पेन के एक टीम को कैलाश पर चढ़ाई करने की परमिशन दी थी, लेकिन बाद में माउंटेनियरिंग को कैलाश पर्वत पर बैन कर दिया गया। कई लोगों का मानना है कि बिकॉज ऑफ डिवाइन फेथ आज तक कोई यहाँ चढ़ाई नहीं कर पाया। अगर ऐसी ही बात है तो ये कंचनजंगा पर भी लागू होता है, लेकिन उस पर तो 1953 में चार्ल्स सेवंस ने फतह पा लिया और वहाँ बैन 1955 में लगा। और साथ ही माउंट ओलंपस, माउंट कालाबालू सारे ही फेथ से जुड़े हैं, फिर यहाँ चढ़ाई करने में पर्वतारोही क्यों नहीं पीछे हटते। बताते चलें कि पहाड़ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ऑक्सीजन की कमी की। इन्वायरमेंट में सी लेवल पर 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और ऑलमोस्ट इतना ही नाइट्रोजन, आर्गन और दूसरी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जो मिलाकर सांस लेने लायक हवा बनाती हैं। जैसे जैसे हम हाई ऑल्टीट्यूड पर जाते हैं, इन गैसेस में कमी आनी शुरू हो जाती है। करीब 3600 मीटर की हाइट पर बैरोमेट्रिक प्रेशर घट जाता है और इसी वजह से हमें शरीर को कम ऑक्सीजन में सर्वाइव करने की आदत डालनी पड़ती है। तो क्या इसी रीज़न से माउंट कैलाश पर क्लाइंबिंग इम्पॉसिबल है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन लेवल माउंट एवरेस्ट से तो बेहतर है? तो ये एक मिस्ट्री बनकर रह गई है आपके और हमारे लिए। सो या, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल माई व्यूअर्स। थैंक यू सो मच।